beautiful gum tree forest was once home to me and my family. We overlooked an upcoming city. Every day, few trees were being cut down to satisfy human needs. Slowly but surely, roads, buildings, and offices were replacing the once lush green forest. My forest, my home, was gradually being added to the bounds of the progressing city. And finally, the day arrived when the tree with my nest was chopped off. इकोसिस्टम का सबसे अच्छा बैरोमीटर वो स्पैरो ही है जो हमें बताती है कि एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है वहाँ का. क्यों खत्म हो गई? खत्म होने का कारण शायद हम लोगों के दिल छोटे हो गए और हम लोगों ने अपने घरों को बंद कर लिया. और ये बहुत बदकिस्मत ही हमारी कि हम नेचर को कार में बैठ के देखना चाहते हैं, नेचर को फील नहीं करना चाहते. तो ये चीज़ें बड़ी कचोटती थी मन के अंदर के यार ये चिड़िया ख़त्म हो गई. ये सबसे अच्छी चिड़िया होती थी जिसका बाइबल से लेकर के और रामायण से लेकर के और अब तक हर चीज़ के अंदर इसका कहीं ना कहीं मेंशन किया जाता है इस चिड़िया को. तो क्या करा जाए? पैकेज ओपन करिएगा उसके अंदर. हेलो, आई एम आर एन मोहंती एंड आई एम स्टडिंग इन क्लास 10 पाथवेज स्कूल गुड़गांव. सो माय प्रोजेक्ट वाज टू डिस्कस द इम्पैक्ट्स ऑफ डेवलपमेंट ऑन द एनवायरनमेंट. एंड टुडे आई वाज with Mr. Rakesh Khatri, who taught me how to make nests for birds, and here is a nest we built. Mera naam Rakesh Khatri hai aur main Nestman of India ke naam se hi jana jata hu. Aur yahi ghonsla hai jisne mujhe school ki kitabon mein ek chapter aur Limca Book of Record mein pahunchaya 3 baar. Main bachchon ke sath in ghonslon ko banata hu, school mein workshop karta hu, unko sikhata hu. और करीबन 2.5 लाख बच्चों तक अब तक मैं पहुंच चुका हूं इस घोंसले के थ्रू. मैं 3 सब्जेक्ट पे ही काम करता हूं सिर्फ, बायोडाइवर्सिटी कंजर्वेशन, वाटर कंजर्वेशन और क्लाइमेट चेंज के ऊपर. आपके अनुसार दुनिया में पक्षियों की संख्या घटने का क्या कारण? मेरे हिसाब से दुनिया में तो नहीं कह सकते, पर हाँ भारत के अंदर पक्षियों के कम होने का सबसे बड़ा कारण ये है कि हम लोग लोकल ट्रीज़ को खोते जा रहे हैं. जो हमारी बहुत अच्छी नेचर हमें हमारे पूर्वजों ने दी थी, हमने उसको खो दिया. जिसका सबसे बड़ा उदाहरण दिल्ली में इस समय अगर आप पॉल्यूशन के हिसाब से देखें, हमारे पूर्वजों ने हमें बहुत खूबसूरत फॉग दिया था और हमने आप लोगों को क्या दिया? स्मॉग. तो ये सबसे बड़ा कारण है कि हम एनवायरनमेंट की उन चीज़ों को ख़त्म करते चले जा रहे हैं जो उनको बचाती थी. हम लोग लोकल ट्रीज़ नहीं लगाते, हम उनके हैबिटाट्स को उखाड़ देते हैं, जंगलों को काट दिया जाता है, घरों को बंद कर लिया जाता है चारों तरफ से, ताकि बर्ड जो रहते थे घरों के आसपास वो भी नहीं आते. वो वाले ट्रीज़ नहीं लगाते फ्रूट्स के जिनसे वो अट्रैक्ट होके आया करते थे, वो भी नहीं लगाते. तो शायद सबसे बड़ा कारण यही है कि डेवलपमेंट हम लोग करते हैं लेकिन प्लान वे में नहीं कर पा रहे. डेवलपमेंट का एनवायरनमेंट पर क्या असर? कहते हैं कि डेवलपमेंट यानी कि विकास और विनाश रेल की दो पटरियाँ हैं जो साथ साथ चलती हैं. इधर आपका विकास होता है, इधर आपका विनाश भी साथ साथ चलता है. हम लोग नहीं करते उस चीज़ को, हमें करना चाहिए. अगर हमने एक पेड़ काटा तो हमें 10 पेड़ लगाने चाहिए. तो डेवलपमेंट हमेशा उस वे में करनी चाहिए कि उसके साथ साथ हम वो चीज़ें भी देखें जो उसकी वजह से बर्बाद हो रही हैं, उनको भी हम बचाएं और डेवलपमेंट भी करें. जैसे मेट्रो ने किया या बाकी लोगों ने किया कि जितना उन्होंने काटा उतना लगाया. जितने मुग़ल एम्परर्स हुए हैं उनके किलों में या उनके जो उन्होंने गार्डन्स बनाए वहाँ जाके देखिए उनकी प्लानिंग, और उन्होंने डेवलपमेंट करी उस खाली जगह को, उन्होंने डेवलप किया, वहाँ किला बनाया या कुछ भी बनाया. लेकिन अगर आप वहाँ देखेंगे तो नेचर और कंजर्वेशन का सबसे बेस्ट एग्जांपल आपको मिलेगा. आप किसी मुग़ल एम्परर के उसमें चले जाइए, जितने खूबसूरत बाग और जितने खूबसूरत पानी के मैनेजमेंट, वाटर का मैनेजमेंट या बाकी चीज़ें दिखेंगी वो वहीं दिखेंगी. तो हमेशा डेवलपमेंट को जब आप प्लान करते हैं तो आपको सब चीज़ें देख के चलनी पड़ती है कि इस चीज़ से कितना. तो डेवलपमेंट का प्लानिंग जब होता है उस समय सब चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ये देखना चाहिए कि इसको हम कैसे डेवलप करें जिससे नुकसान भी ना हो, कंजर्वेशन भी बची रहे और स्मूथनेस भी रहे सब चीज़ों के लिए. तो हमेशा आप एक चीज़ देखेगा, जब आप डेवलपमेंट की बात करेंगे तो डिस्ट्रक्शन पहले शुरू होगी. इसीलिए प्रिंस चार्ल्स ने एक बहुत अच्छी बात बोली थी कि कंजर्वेशन मस्ट कम बिफोर रिक्रिएशन. तो हमें एक चीज़ का बहुत ध्यान रखना है कि डेवलपमेंट बहुत अच्छी चीज़ है, आप डेवलप नहीं होंगे तो काम कैसे चलेगा. कंजर्वेशन करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि वही चीज़ उसको सपोर्ट करेगी और जिससे वो चीज़ अच्छी रहेगी. नहीं है सबसे अच्छा एग्जांपल अगर आपको कंस्ट्रक्शन के साथ एनवायरनमेंट का देखना है तो न्यू मोती बाग में जाके देखिए. आप बेस्ट वे है, बेस्ट तरीके से प्लान किया गया है, सारे अच्छे ट्रीज लगाएं, सारी अच्छी कंस्ट्रक्शन करिए.
पोल्यूशन का हमारे इम्यूनिटी पे क्या इम्पैक्ट होगा? आप साल में कितनी बार आपको प्रॉब्लम्स आती हैं? 5-6 बार। क्यों? पोल्यूशन के वजह। सबसे बड़ा रीज़न ये है कि हम लोगों ने अपने फूड का जो पूरा चेन है और फूड का जो पूरा चार्ट है वो चेंज कर दिया है। हाँ। कितनी बार आप मन से रोटी खाते हो? तभी नहीं। घी लगाते हो उसके ऊपर? नहीं। क्यों? स्मेल आती है उसमें से, अजीब सा है ना। जो घर में मम्मी बनाती हैं उसमें से कितना खाना खाते हो? पालक खाते हो? नहीं, नहीं खाते। क्यों? अच्छा नहीं लगता? नहीं। क्या अच्छा लगता है फिर? कुछ भी और। ब्रेड खा लोगे? हाँ। बर्गर खा लोगे? हाँ। पेप्सी पी लोगे? हाँ। है ना, खाना नहीं खाओगे ढंग से। यही इम्यूनिटी का कारण है सबसे बड़ा। गांव का रहने वाला अभी भी क्यों मेहनत कर लेता है इतनी? हेल्दी फूड खाता है, खाना खाते हैं। फास्ट फूड को छोड़ो, और बाकी बच्चों को भी कहना कि कम से कम इम्यूनिटी को अगर बढ़ाना है, दवाई लेने की ज़रूरत ना पड़े, तो इसलिए इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए सबसे बेस्ट है कि आप नेचुरल चीज़ों को ऑब्जॉर्व करें, घूमें सुबह, खाना खाएं। सब बच्चों को भी यही कहना आपने कि घूमें सुबह, खाएं, जितना जंक फूड से दूर रहें उतना बेहतर है। घर का खाना बहुत अच्छा होता है, और मम्मी के हाथ का खाना तो वैसे ही बहुत अच्छा होता है, वही खाना चाहिए। This workshop, I think, was about a lot of important points. It told me how to make a birdhouse and the endangeredness of sparrows, and I got to know more about sparrows, how they need to be saved, like building a birdhouse, and how are they threatened. Just very exciting and interesting too. I love sparrows because they are small and cute. They're very chubby and tiny. I got to know how to make a birdhouse, so this will save the sparrows as it can kind of act as a home for them. I will hang it near the bushes or at my home so that any sparrows can come and sit. हाँ ठीक से लगाओ, सीधा, बिल्कुल सीधा, थोड़ा और ऊपर, ऊपर करो, ऊपर करो, हल्का सा पुश करो, हल्का सा पुश करो उसको। हाँ We found respite in a windowsill. Thanks to this kind man, this nest is our new home.